Hello students, I am Arvind Kumar. Today we will start a new topic from first unit electrostatic of third chapter, electrostatic potential and flux. And our topic name is equipotential surfaces. Important point है, topic भी है, exam point of view से भी काफी बार पूछा भी गया है, sketch करना भी आता है, इससे conceptual question है जो बहुत ज्यादा बार repeat हुआ है, उसको आज हम discuss करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास माइंड में आता है व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. तो इसके नेम में सजेशन आपको ट्रेमिंग करने की जरूरत नहीं है. इक्वी, इक्वी मींस इक्वल और सेम, और पोटेंशियल हम पढ़ चुके हैं, और सर्फेसेस जो बाउंड्री होती है वो, यानी दो सर्फेसेस हैविंग पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. यानी वो सर्फेस और बाउंड्रीज जहां पे पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि ये कोई सर्फेस है, इस सर्फेस पे यहां पे पोटेंशियल था प्लस 5 वोल्ट और यहां पे प्लस 5 वोल्ट. इस सर्फेस पे हम कहीं पे भी जाए तो ये क्या कैसा है, प्लस 5 वोल्ट, यानी सेम है पोटेंशियल. तो इस सर्फेस या बाउंड्री को हम क्या नाम देंगे, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. आज हम स्केच करना भी सीखेंगे. एक चार्ज दे रखा हो आइसोलेटेड सिंगल चार्ज, उसकी वजह से पोटेंशियल कैसे, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से. लेकिन इससे पहले मैं एक दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं जो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं. हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला था पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वर्क डन इज इक्वल टू कैलकुलेट करें तो क्या लिख सकते हैं, चार्ज इंटू में चेंज इन पोटेंशियल. अगर आप सिंपल पोटेंशियल कह रहे हो तो वो इंफिनिटी के रेस्पेक्ट में था, लेकिन अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल. तो यहां पे अगर मेरे से पूछा जाए वर्क डन एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आप क्या करोगे, मूविंग चार्ज मल्टीप्लाई बाय चेंज इन पोटेंशियल. अब चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस में इनिशियल. अब यहां पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक चार्ज को इस सरफेस पे मान लेते इक्विपोटेंशियल है, इस पॉइंट से एक चार्ज को मान लेते क्यू कूलम चार्ज था, क्यू कूलम चार्ज को इस पोटेंशियल से और मैं मूव करते हुए दूसरे एंड पे लेके जा रहा हूं, तो यहां पे पोटेंशियल इनिशियल जो था वो भी उतना ही है, फाइनल भी उतना ही, क्योंकि हम इस सरफेस को कैसे मान रहे हैं, इक्विपोटेंशियल. तो यहां पे लिख सकते हैं बट एट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बट एट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पोटेंशियल इज सेम, फाइनल पोटेंशियल इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल. या जहां पे भी आप मूव करोगे उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम. तो यहां पे अगर चेंज देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो. सो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो. इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नेट वर्क डन जो होगा इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. अगर मैं इस वर्क डन को एक मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना चाहूं तो इसको कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली. वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी एस आप कहते हो इलेवेंथ के टर्म्स में. तो यहां पे इस वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स की जगह मैंने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यहां पे डीएल मान. अब आप कहोगे सर फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक डेफिनेशन पे जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो ए फोर्स ऑन वन कूलम चार्ज. एक कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब ये भी तो बेसिकली फोर्स के टर्म्स में ही है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था तो वर्क डन भी स्मॉल आएगा. अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करूं तो यहां पे क्या होगा, क्लोज. क्लोज का मतलब इस बाउंड्री पे यहां पे जो सरफेस बात कर रहे हो क्लोज्ड सरफेस है, और क्लोज सरफेस होगा तो इसलिए हमें यहां पे क्लोज्ड इंटीग्रेशन करते हैं. अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो तो इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट भी पुट कर सकते हैं. तो वर्क डन फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट. अब ये वर्क डन तो कितना होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, जीरो. इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नेट वर्क डन हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा, जो हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया. ये आपको समझ में आया होगा कि नेट वर्क डन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जीरो होता है. अब हमारा जो क्वेश्चन अराइज होता है जो बार बार रिपीट होता है 2 मार्क्स में, वो क्या है, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस, टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस. जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सर्फेस है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो हमेशा कैसी होंगी, परपेंडिकुलर. जैसे
मैं सपोज करूं कि यहां पे एक चार्ज था, इससे एक मीटर की डिस्टेंस पे आप इधर जाओ किधर भी जाओ, एक मीटर पे पूरा स्पीयर बनेगा। उस पूरे पे डिस्टेंस जो थी वो सेम थी, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता था के क्यू अपॉन में आर। डिस्टेंस आपने 1 मीटर फिक्स कर दी किसी भी डायरेक्शन में, आर क्यू फिक्स्ड है, के फिक्स्ड है, इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल सरफेस। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, सर्कल आपको दिख रहा है, अदरवाइज ये स्पीयर होता है 3D में। इस स्पीयर पे हम कहीं पे भी जाएं, जैसे ये चार्ज मेरे हैंड के बिल्कुल सेंटर पे है और ये पूरी बाउंड्री इक्वल डिस्टेंस की, तो ये पूरी क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिख रही है वो इक्विपोटेंशियल। मैं कहूं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, हमेशा रेडियली आउटवर्ड, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ इधर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। मैं कहूं कि एक चार्ज को इस सरफेस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ए पॉइंट से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए ए से और मैं बी पॉइंट पे लिख गया, तो मूवमेंट कहां पे किया आपने, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो हम डीएल कह रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको दिख ही रहा होगा पॉजिटिव से हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो जब हम पोटेंशियल पे जा रहे हैं तो यहां पे जितना पोटेंशियल उतना पोटेंशियल यहां पे था, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करते हैं। इसको अगर एक्सपेंड करें तो क्या लिखेंगे, ई डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये जो एंगल होगा वो किस किस के बीच में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कहां पे हुई आपकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इस सरफेस पे स्मॉल से डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक, तो ये इक्विपोटेंशियल पे है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी डायरेक्शन से होगी, अभी देखते हैं। तो यहां पे बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन जीरो है तो वहां पे कह सकते हैं या तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, या जीरो होगा। तो पहला केस मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं, क्योंकि कहीं पे भी सोर्स चार्ज होगा तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, यानी फोर्स तो लगेगा 1 कूलम्ब चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, डीएल इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि आप चार्ज को मूव करवा रहे हो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे फ्रॉम ए टू बी, भले ये डिस्टेंस जो है वो कम है लेकिन ये इक्वल टू जीरो तो नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, सो कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो, और कोस थीटा जीरो कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा 90 है तो इसका मतलब किस किस के बीच में एंगल होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट ओपन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कहां पे थी, पोटेंशियल सरफेस पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, हमेशा जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगी। तो यहां से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार रिपीट होता है। तो एक्सप्लेनेशन बहुत इजी सा है इसका, बाकी आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, काफी बार रिपीट हो चुका है व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आई होप आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के दो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब हम कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करना सीखेंगे, देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। यहां पे सिंगल चार्ज भी हो सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में ड्रॉ करने में, और ग्रुप ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ड्रॉ सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, फर्स्ट केस में डिस्कस कर रहा हूं ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज यानी अकेला चार्ज है, उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो। मैंने यहां पे एक चार्ज कंसिडर कर लिया, प्लस क्यू चार्ज कितना भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करना आता है प्रीवियस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। इसको अगर सेंटर मान लें तो ये हमेशा रेडियस के टर्म्स में आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे, हमेशा बाहर की तरफ निकलेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्यों, क्योंकि यहां पे अगर हम कहीं पे भी एक टेस्ट चार्ज 1 कूलम्ब चार्ज को रखें तो ये जो चार्ज होगा उस पर फोर्स उसी डायरेक्शन लगाएगा जो फोर्स की डायरेक्शन है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ की, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ध्यान रखना, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है के क्यू अपॉन में आर,
चार्ज जो था वो क्यू है, के मीडियम चारों तरफ सेम है वो फिक्स्ड है, तो के फिक्स क्यू फिक्स। अगर मैं डिस्टेंस को भी फिक्स कर दूं तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, फिक्स। पोटेंशियल पे आते हैं, इनफाइनाइट से एक कूलम चार्ज को लेके आने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। मैं उस चार्ज को इनफाइनाइट से यहां पे लाया, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिया, मैं 1 मीटर इधर भी रख सकता हूँ, 1 मीटर इधर भी रख सकता हूँ, आप कहीं पे भी रखो, अमाउंट ऑफ डिस्टेंस तो सेम है, इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम। और ऐसी सरफेसेस को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल। तो यहां पे मैंने कहा कि 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा, तो यहाँ पे ये जो बाउंड्री बनी हुई है, जो सरफेस बनी, वो कैसी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस पे यहां पे अगर मैं मान लू +10 वोल्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो इस पॉइंट पे भी +10, इस पे भी +10, इस पे भी +10, इस पे पूरी बाउंड्री पे आप जाओगे तो सभी पे कितना होगा, +10 वोल्ट ही होगा। तो इसका मतलब ये जो सरफेस होगी पूरा 3D में होगा, जैसे कोई फुटबॉल के सेंटर पे हम चार्ज रखते हैं, उसकी जो बाउंड्री होगी, सरफेस होगी, वो हमारे पास में क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस सभी की सेम है। यहाँ पे तो चार्ज सेम था, के सेम है, आर की वैल्यू आपने इक्वल कर दी, तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल पूरे पे 10 वोल्ट होगा। दूसरा केस, अगर मैं थोड़ी डिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करूं तो पोटेंशियल भले ही थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, अब मैं 1 मीटर की बजाय इस सेंटर से 2 मीटर डिस्टेंस लेता हूं, 2 मीटर की डिस्टेंस पे जाएंगे तो इस पॉइंट पे पहुंचे, तो यहाँ पे इधर भी जाएंगे 2 मीटर डिस्टेंस, यहाँ पे भी 2 मीटर, तो अगर 2 2 मीटर को अगर हम कोइंसाइड करवाएं तो वहां पे भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। इसका मतलब भले ही यहां से डिस्टेंस इसकी ज्यादा है, यहां पे हम मान लेते हैं कि इस बाउंड्री पे +5 वोल्ट है, लेकिन इस पे कहीं पे भी जाओगे तो कितना होगा आपके पास में, +5 वोल्ट ही होगा इस बाउंड्री के ऊपर। इसका मतलब ये भी अपने आप में इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मैं 1 मीटर गया तो +10 वोल्ट, थोड़ी डिस्टेंस बढ़ाई +5 वोल्ट, अगर मैं 3 मीटर जाऊं तो पोटेंशियल डिस्टेंस बढ़ाएंगे, पोटेंशियल कम हो जाएगा। 3 मीटर जाते हैं इधर जा सकते हो, 3 मीटर इधर जा सकते हो, उन सभी को अगर हम कोइंसाइड कराएंगे तो इस पे भी क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू सेम। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मान लेते हैं +3 वोल्ट है, तो इस पूरी बाउंड्री पे कहीं पे भी जाएंगे तो +3 वोल्ट होगा। इसका मतलब ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल, ये सर्कल, ये सारे के सारे आपस में कैसे होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं। यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा होगा बट एग्जैक्टली क्या होता है, 3D में स्पीयर होते हैं, तो इन सभी को हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर कंसेंट्रिक स्पीयर्स, जिनका सेंटर कॉमन होगा, सेंटर कौन होगा, चार्ज इटसेल्फ, जो चार्ज होगा पॉइंट चार्ज वो इनका सेंटर होगा, एंड दीज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कंसेंट्रिक स्पीयर्स। ध्यान रखेंगे इस पे पोटेंशियल सेम है, ठीक है, एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे जाओगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, दीज टू स्पीयर्स आर नॉट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यहां पे ये पूरा इंडिविजुअल जो ये बाउंड्री है वो इक्विपोटेंशियल है, ये इंडिविजुअल अपने आप में इक्विपोटेंशियल, ये इंडिविजुअल, लेकिन आपस में एक से दूसरे पे पोटेंशियल की वैल्यू डिफर करती है, दीज आर नॉट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर हम दूर होते जाएंगे, सेपरेशन बढ़ाते जाएंगे, पोटेंशियल कम होता जाएगा, पोटेंशियल कम होगा तो इनके बीच में सेपरेशन भी बढ़ता जाएगा, यहाँ पे थोड़ा कम था, इसमें थोड़ा ज्यादा हुआ, इसमें और ज्यादा होगा, अगर हम और ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे जहां पे 1 वोल्ट होगा तो इनके बीच में जो सेपरेशन होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में वो और भी ज्यादा होगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, जहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां पे गैप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, वहां पे नजदीक नजदीक इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीक होती जाएंगी, दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी सेपरेशन बढ़ता जाएगा। ये तो एक सिंगल चार्ज की वजह से पॉजिटिव, यहाँ पे मैं कह दूं कि पॉजिटिव की बजाय मैं नेगेटिव ले लूं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर कर दोगे आप, टुवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होती है, बाकी सरफेस जो होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सेम होती है। अभी जो हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां पे अगर ध्यान से देखें तो ये रेडियस है और ये क्या थे, स्पीयर, एक तरीके से हम सर्कल मान ले, सर्कल के ऊपर जो रेडियस होती है वो हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे एंगल देखें तो ये हमेशा कितना बनाएगा सरफेस पे, प्रॉपर्टी होती है एक, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऑन द सर्कल। तो यहाँ पे भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी वो हमेशा पोटेंशियल के ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये बात आपको गांठ बांध के अच्छे से रखनी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये ड्रॉ करना भी आ गया। तो ये सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से था, अगर मैं कह दूं ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से, बताओ
ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो ध्यान देंगे ग्रुप ऑफ चार्जेस यानी एक से ज्यादा चार्जेस होंगे तो ग्रुप जो है सिमिलर चार्जेस का भी हो सकता है और डिफरेंट अपोजिट पोलरिटी का भी। तो यहां पे मैं सेम चार्जेस के लेके चल रहा हूं, एक पॉजिटिव ये है एक पॉजिटिव ये है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इस चीज के बीच में, यहां पे अगर मैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे आता हूं तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, मान लेते हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे इस चार्ज की वजह से प्लस 1 वोल्ट, कितना यहां पे प्लस 1 वोल्ट, या ये कह सकते हैं प्लस 5 वोल्ट है, कितना यहां पे प्लस 5 वोल्ट। इसका मतलब यहां पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से 1 मीटर डिस्टेंस पे प्लस 5 वोल्ट था, इसका भी तो कंट्रीब्यूशन होगा ग्रुप ऑफ चार्जेस में, इसका मतलब इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा, तो यहां पे इसकी वजह से मैंने मान लिया प्लस 1 वोल्ट। 1 मीटर डिस्टेंस इधर जाएंगे तो यहां पे इस चार्ज की वजह से इक्वल डिस्टेंस कितना आएगा प्लस 5 वोल्ट, बट अब की बार इस चार्ज की डिस्टेंस जो थी वो ज्यादा होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी कम, तो इसका मतलब मैंने मान लिया कि यहां पे कितना होगा 0.1 वोल्ट मान लिया फॉर एग्जांपल इस चार्ज की वजह से, तो यहां पे नेट पोटेंशियल 5.1 वोल्ट, यहां पे दोनों को ऐड करेंगे तो 6 वोल्ट। अब इसको कैसे करें, तो यहां पे अगर वोल्टेज ज्यादा होगी पोटेंशियल तो हमें तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी थी, यहां पे 5.1 है तो इसका मतलब मैं अगर यहां पे सेपरेशन को बढ़ा दूं इधर से 1 मीटर की बजाय थोड़ी डिस्टेंस को आगे कर दें तो इसकी वजह से पोटेंशियल कम हो जाएगा, इसका थोड़ा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा लेकिन पोटेंशियल तो कितना आ जाएगा 5.1 वोल्ट आ गया। तो इसका मतलब अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस है और दो सिमिलर नेचर के चार्ज हैं तो उनके बीच में सेपरेशन जो होगी वो ज्यादा होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस में और आउटसाइड में कम होती जाएगी, तो यहां पे इक्वल नहीं होगी क्योंकि दूसरे चार्जेस का भी इफेक्ट यहां पे होता है। अब ड्रॉ कैसे करेंगे वो देखेंगे ध्यान से, मैंने यहां पे ग्रुप ऑफ चार्जेस में दो चार्जेस लिए, एक ये पॉजिटिव एक ये पॉजिटिव, यहां पे ड्रॉ करेंगे तो एक इनका सेंटर लाइन होगा, ठीक है, बीच में। यहां पे अगर हम बात करें तो इधर पोटेंशियल कम था, इधर हमें डिस्टेंस बढ़ा दिया, इधर थोड़ा सा सेपरेशन ज्यादा होगा, यहां पे हम बात करें ये डिस्टेंस थोड़ी बढ़ा दी, यहां पे अगर हम बात करें ये डिस्टेंस हमने बढ़ा दी, इधर से भी वही सेम, ठीक है, ऐसे ही इधर से। तो इसका मतलब यहां पे जो सेपरेशन है वो ज्यादा होगा और इस साइड से सेपरेशन कम होगा। बीच में कैसे करें, अब यहां पे पॉइंट देखें तो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, इतनी डिस्टेंस पे इधर जाएंगे तो इसका मतलब सिर्फ पोटेंशियल इसकी वजह से ज्यादा होगा और इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा, तो यहां पे भी पोटेंशियल जो है इक्वल होगा लेकिन यहां पे कैसी शेप में आ जाएगा, डम्ब्ड शेप में। यहां पे जो डिस्टेंस कम क्यों थी, इसका भी कंट्रीब्यूशन था इसका भी था, यहां पे बात करेंगे तो सिर्फ इसी का ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इसी का बहुत कम कंट्रीब्यूशन था, इसलिए इससे सेपरेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है। यहां पे बात करें तो ये डम्ब लाइक स्ट्रक्चर भी बनेगी। तो अगर दो सिमिलर नेचर के चार्जेस होते हैं तो वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है, क्लियर हुआ पॉइंट। लास्ट केस आता हमारे पास में कि अगर एक डायपोल हो, वो भी ग्रुप ऑफ चार्जेस में डिस्कस करेंगे क्योंकि डायपोल का मतलब ही क्या था, बेसिकली टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो वो भी तो ग्रुप ऑफ चार्जेस ही हुआ, उसमें कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां पे ड्रॉ करके देख रहे हैं ताकि दोनों में हम सिमिलरिटी जनरेट कर सकें। देखेंगे ड्यू टू डायपोल, डायपोल में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहां पे ध्यान देंगे, अगर मैं कहूं कि ये दोनों लाइन ज्वाइन कर रहे थे तो इनका जो सेंटर पॉइंट होगा उस पे इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं प्लस 5 वोल्ट और इसकी वजह से माइनस 5 वोल्ट, तो नेट कितना आ जाएगा 0। अब पोटेंशियल सेंटर पे कितना होगा 0, तो पोटेंशियल अगर 0 है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R इज इक्वल टू 0, तो ये कितना होगी डिस्टेंस इनफाइनाइट, यानी रेडियस क्या होनी चाहिए उस सर्कल की, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल मतलब स्ट्रेट लाइन, तो हम इस सेंटर लाइन को क्या ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, और यहां पे इसकी वजह से पोटेंशियल होगा कुछ
और ये नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो आपस में एक दूसरे को एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, इधर ज्यादा होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इधर डिस्टेंस जो होगी वो कम होगी और अब की बार इसमें डिस्टेंस ज्यादा। इस साइड में अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो उनके बाहर सेपरेशन ज्यादा होगी, अंदर सेपरेशन कम होगी। यहां पर ड्रॉ करेंगे, यहां पे बात करेंगे ऐसे 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 ही। इस साइड में यहां पे नजदीक था ये सेपरेशन, यहां पे ये सेपरेशन, ये सेपरेशन, ये सेपरेशन। और यहां पे हम बात करें तो बहुत बड़ा सर्कल बनता जाएगा, इधर से बहुत बड़ा सर्कल बनता जाएगा। जहां पे पोटेंशियल बिल्कुल मिड पॉइंट होगा वहां पे जीरो, तो वहां पे कैसी होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये एक डायपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस, आपको याद करने के लिए कैसा होगा, जैसे आप ऐसे इस तरीके से हम कहीं पे देखते हैं तो उस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही। डिफरेंट नेचर चार्ज है, बीच में सेपरेशन कम होती जाए क्योंकि एक दूसरे का पोटेंशियल कम करेंगे। सेम नेचर के चार्ज है, बीच में सेपरेशन ज्यादा होगी क्योंकि उनमें पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसलिए हम सेपरेशन को इंक्रीज कर देते हैं पोटेंशियल को बैलेंस करने के लिए। एक लास्ट है कि आप उसको एग्जांपल के तौर पे कैसे करोगे, कह रहा है कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे ड्रॉ करेंगे, यूनिफॉर्म मतलब जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, अभी मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेपरेशन इनमें इक्वल होगी, डायरेक्शन सेम होगी, दैट मींस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके परपेंडिकुलर कैसा होगा, बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल सामने से स्ट्रेट देखूंगा तो मुझे एक लाइन दिखाई देगी, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल होगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो वहां पे भी डिस्टेंस अलग अलग होती है, तो इसलिए उन शेप में अलग आ रही थी। ये तो स्ट्रेट लाइन है आपको जो दिखाई देती है। अब कोई ये भी कह सकता है कि मुझे तो ये सरफेस जो थी बाउंड्री वो थोड़ा सा साइड से देखेंगे तो पूरी बाउंड्री दिखाई दे रही, तो उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से। ये भी अपने पॉइंट ऑफ पे ठीक है, 3D रिप्रेजेंटेशन है ये, और आप जो स्ट्रेट लाइन थी ये इसको भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी बिल्कुल एक्जेक्टली सेम, बस रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। ये 3D में दिख गए या आपको थोड़ा सा साइड में देख रहे हैं तो बाउंड्री, और बिल्कुल सामने से देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द ड्रॉइंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू।